विकास समीक्षा यात्रा के दौरान आज सीएम नीतीश कुमार छपरा के एकमा पहुंच गए हैं, वहां उनका संबोधन चल रहा है। सीधे रुख करते हैं छपरा के एकमा का कि अभी जो एकमा ग्रिड की क्षमता है वो 20 MVA की, और काम उसके विस्तारीकरण का शुरू हो गया और वो 50 MVA का एक ग्रिड लगाया जा रहा है, और भविष्य में आगे जो 20 MVA का ग्रिड है बदल दिया जाए, MVA का जो ट्रांसफॉर्मर है उसको भी बदला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ का जो एकमा ग्रिड है उसकी क्षमता आज जो 20 MVA की है, कुछ महीने के बाद वो 50 की होगी और कुछ महीने के बाद उसकी क्षमता 100 MVA की हो जाएगी। तो जब उस समय की मांग थी वह भी हो गया 13 में, और अब जब लोगों को बिजली की और जरूरत, और आप तो जान रहे हैं अब तो हम लोगों का निर्णय था कि हम लोग हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, केंद्र का भी निर्णय था, और बिहार में हम लोगों ने 2017 के दिसंबर तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दिया। बड़े गांवों के कुछ टोलों तक बिजली जहां नहीं पहुंची थी या कुछ टोलों तक, वहां भी इस साल के अप्रैल महीने तक बिजली पहुंच जाएगी। और इसके अलावे हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई गांव में तो बिजली पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन हर घर तक इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन हम लोग उपलब्ध कराएंगे, और इस पर काम करना शुरू किया। और इस साल के अंत तक 2018 के दिसंबर तक हर घर तक बिजली का कनेक्शन हम लोग पहुंचा देंगे। अब पहले जो हालत थी, अब उस हालत में इतना सुधार आया, और अब हर घर तक, शहर हो या गांव, कहीं के रहने वाले लोग हो, वहां तक बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। और हम लोगों ने अपने निश्चय को लागू करना शुरू किया है, और उसके अंतर्गत शहर हो या गांव, हर घर में नल का जल हम उपलब्ध कराना चाहते हैं। और राष्ट्रीय योजना है हर घर तक शौचालय का निर्माण, और उसके अलावे शहर हो या गांव, हम लोग हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कराना चाहते हैं। बिजली के कनेक्शन की चर्चा कर दी, ये चार योजनाओं को एक निश्चय के तौर पर हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं, और उसके क्रियान्वयन को देख रहे हैं। अब बीच में एक साल में थोड़ी बाधा आई, मुखिया जी लोगों को, कुछ लोगों ने भड़का दिया कि आपका अधिकार छीना जा रहा है। अभी वाला बताइए, गांव में हर घर में नल का पानी मिल जाएगा, और पूरे गांव के गली का पक्कीकरण हो जाएगा, और हर घर तक ये पक्की गली पहुंच जाएगी, और नाली का, पक्के नाली का निर्माण होगा, तो मुखिया जी के अधिकार इससे छीना जाएगा कि मुखिया जी की प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। और इस काम को हमने किया है विकेंद्रित तरीके से। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए, पैसा सीमित है पूरे देश में, हमारे साधन सीमित हैं, हमें तो तय करना पड़ता है कि हम अपने संसाधनों का किस प्रकार से सदुपयोग करें, और उसी हिसाब से सभी संसाधनों का अगर ठीक ढंग से उपयोग किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए बिहार में अगर जो पंचायतों के लिए जो केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा, ये राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो धनराशि उपलब्ध कराई जाती है उसका भी एक हिस्सा, और उसके अलावे राज्य सरकार के बजट से भी एक हिस्सा देकर, हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों काम, हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, शहर हो या गांव, सब जगह 4 साल के अंदर पूरा करवा देना चाहते हैं। अब कल्पना करिए, शहर तक तो, शहर में सड़क और गांव तक सड़क पहुंचा दी जा रही, हम लोगों की तो योजना 250 की आबादी तक के गांव को सड़क से जोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बाद ये बात आई सामने कि गांव जुड़ गया लेकिन कुछ टोले बचे रह गए, और उन टोलों में ज्यादातर गरीब गुरबा ही रहते, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, तो उन टोलों को भी पक्की सड़क से जोड़ने का हम लोगों ने निश्चय किया, और यह भी टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत काम हो रहा। तो ये सारा काम हो रहा, लेकिन अभी आप सोच लीजिए, बहुत सारे गांव हैं,
जहां बैसाख में भी कीचड़ रहता है, हर इंसान उससे छुटकारा चाहता है। हम भी विधायक रहे, सांसद रहे, और हमने अपने क्षेत्र को देखा। दूसरी जगहों पर जाते थे, एक मुख्यमंत्री के रूप में हम 12 साल से घूमते रहे, हम लोगों के मन को, मिजाज को हम समझने की कोशिश करते रहे, और इससे बड़ी बात क्या हो, हम तो बहुत सारा काम कर रहे हैं। सड़कों का निर्माण, क्या हाल था सड़कों, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, ये पता नहीं चलता था 2005 तक। और आज जरा बताइए क्या हुआ, कितनी सड़कों का निर्माण हुआ, कितने पुल पुलिया का निर्माण हुआ। एकमा में आए थे तो उस समय लोग चर्चा कर रहे थे छपरा आरा को जोड़ने के लिए पुल की बात, पुल बन गया कि नहीं बन गया, पुल का निर्माण हो गया, सब कुछ हम लोग करते रहे। उसके अलावे सिंचाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अभी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनके उसके संबंध में बहुत सारी चर्चा की, छपरा के मेडिकल कॉलेज की बात, ये सब काम हम लोग करते रहे। शिक्षा के क्षेत्र, कल्याण के क्षेत्र में ये सब काम हुआ। कृषि के विकास के लिए कृषि रोड मैप बनाकर उस पर अमल किया हम लोगों ने, 2008 से शुरू कर रहे काम, और तीसरा कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई है, आदरणीय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथों से हम लोगों ने करवाया, और ये सब काम होता रहा और होता रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। लेकिन उसके अलावा हमारे मन में लगा कि भाई अगर हम हर घर तक पक्की गली बना दें, नाली का निर्माण कर दें, हर घर में शौचालय बन जाए, जो केंद्र की योजना है हमारे यहाँ ठीक ढंग से लागू हो जाए, तो कितना बड़ा फायदा होगा, और हर घर तक बिजली का कनेक्शन दे दें। अब आप कल्पना करिए, और इसको हमने विकेंद्रित तरीके से करने का निर्णय लिया। केंद्रीकृत तरीके से पहले नल जल की योजना चलती रही है, लेकिन हमने आकलन किया तो देखा कि हमारी जितनी योजनाएं स्वीकृत हैं वो लागू भी हो जाएंगी तो 22-23% घरों में नल का पानी मिलेगा। हमने कहा इससे काम नहीं चलेगा, हमें तो विकेंद्रित तरीके से करना चाहिए, वार्ड वार इस काम को करना चाहिए, तब ये तेजी से काम होगा, और 4 साल का लक्ष्य है। और किस वार्ड में काम पहले शुरू हो, हर साल हर पंचायत के 3 वार्ड में, 2 वार्ड में, 4 वार्ड में काम हो जाएगा, और उससे 4 साल के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। अब बहुत लोग जब काम होते रहता है 2 वार्ड 3 वार्ड में, शुरू से सार्वजनिक तौर पर एक एक बात बताया गया है, लेकिन कुछ लोग भड़काने के लिए कहते, देखा बगल में काम हो रहा बा, हमनी के छोड़ दिल गई। ये सब बातें जो समझा करके लोगों को भड़काने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। ये जान लीजिए संसाधन सीमित है, और इस सीमित संसाधन का हम बहुत ही तार्किक और व्यावहारिक तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। अब 4 साल के अंदर हो जाएगा, पहले कहाँ होगा, जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी ज्यादा, यही वो लोग ने प्राथमिकता बना दी, और उसके आधार पर हम तो निश्चय यात्रा और विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा को मिला लें तो कम से कम 50 से 55 गांव के वार्ड में हम गए हैं देखने, और हम देखते हैं लोगों के चेहरे पर खुशी, और ये काम होगा। हम पटना से बैठ करके निश्चिंत नहीं रहते, हम जानबूझकर घूमते रहते, काम को देखो, अगर कोई कठिनाई आए उसका रास्ता निकालो। तो अब ये काम हो रहा, 1 साल थोड़ा सा व्यवधान हुआ, लोगों को भड़का दिया, लेकिन अब सब ठीक ठाक हो गया है, अब बहुत अच्छे ढंग से सब काम हो रहा। मुखिया जी, वार्ड के सदस्य सब मिलकर के अपने पूरे ग्राम पंचायत का उद्धार कर दीजिए, और जान लीजिए ये हो जाएगा तो लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे। जिस गांव में पीने का पानी, नल का पानी हर घर में मिल जाएगा, ये मामूली बात है। कुआं का पानी पीते थे, चापाकल के लिए लोग कितना बेचैन रहते थे, और एक अच्छी तरह जान लीजिए जितना सार्वजनिक स्थल पर कुआं है हम उसको भी दुरुस्त रखेंगे,
जितने चापाकल सरकार के द्वारा लगाए गए सार्वजनिक स्थल पर उसको भी ठीक रखेंगे और नल का पानी भी हर घर में उपलब्ध करा देंगे। यह हमारा मकसद है। कौन जाने कब क्या घटना हो जाए, कुआं भी ठीक ठाक रहना चाहिए, चापाकल भी ठीक रहना चाहिए और नल का पानी भी पहुंच जाना चाहिए। और एक चीज आप जान लीजिए, आज जो खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए हम लोग पूरे देश में अभियान चल रहा, हमारे यहाँ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत चल रहा, हर घर में शौचालय का निर्माण हो जाए और उसके